हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका मेरी दुनिया में, जो हर किसी की कॉमन एक दुनिया होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अभी हम लोगों को भूख लगी है बहुत तेज मुझे और ये मेरी बहन को, तो वो अभी कट कर रही है दो प्याज एक टमाटर। वो इसलिए क्योंकि अभी हरी मिर्च खत्म हो गई है और बाकी चीजें और खत्म हो चुकी हैं, तो हम जाने में आलस कर रहे हैं कि, लेकिन सुन के अच्छा लगता है कि बाहर तू जा के चक्कर में दो प्याज और टमाटर में मैक्रोनी बन के तैयार होगी हम दोनों की बैस में। तो देखते हैं गाइस वो कैसा रहेगा सीन। और ये देखिए हमने मैक्रोनी वाले रख दी और यहाँ मेरी चाय बन गई है। एक्चुअली गाइस ये चाय मैं अकेले पीने वाली हूँ, बहुत तेज हो रहा है क्योंकि ये सब लोग चाय नहीं पीते हैं, मतलब मेरी बहन को जो मेरे साथ में है वो। ओ गाइस सॉरी, अभी नहीं हूँ मैं इस दुनिया में आप लोगों की क्या बोलते हैं, आप मेरी दुनिया में, शायद इसलिए मैं कैमरा पकड़ना अभी ठीक से सीखी नहीं हूँ। तो एक मिनट गाइस, मिलते हैं। इस गिलास को भर लिया, भर चुका था और एक गिलास भर के हमने इसमें पानी डाल दिया था क्योंकि हम आपसे बात कर रहे थे और बातों बातों में नीचे का पानी कब सूखा हमें नहीं पता चला, और ये नहीं पता चलता तो ये मुझे जान से मार देती। चुप। क्योंकि वैसे ही मैं पहले से कुछ लेने नहीं गई बाहर सामान वगैरह, और ये अकेले लेके आई है। और एक बिस्किट हम खा चुके हैं, अभी ये एक बिस्किट और है इसे भी खाएंगे। मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और गाइस जब तक मैं एक कप चाय और एंड बिस्किट खा लूँ ताकि मैं थोड़ा और बोलने की ताकत रख सकूँ, जब मैक्रोनी तैयार हो जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे बिना हरी मिर्च और बाकी मसालों के, बिना दो टमाटर, एक दो प्याज और एक टमाटर के साथ ये मैक्रोनी अपना क्या रंग लाती है। और एक 10 रुपये की दूध की थैली मंगाई थी हमने, तो वो अभी भी रखी है हमारे पास, जिसमें से ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बेबी तुम तो विलन हो इस मूवी के। विलन मेरी जान की सच्ची। हाँ तो आधा दूध इस बिल्ली के लिए, मतलब ये बिल्ले के लिए, और ये मेरी बेटी पिकाचू के लिए, दोनों के लिए निकलता है। आम जिंदगी कौन कैसे बिताता है, सबको हर हमेशा कैमरे के पीछे एक ही चीज नहीं बोलनी चाहिए, कपड़े ये कपड़े हटाओ, बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसे बोल रही थी यार। हम बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा है उससे मतलब क्या है, मैं तो बस अपने दोस्तों से नॉर्मल बात। देखो हमारी मैक्रोनी रेडी होने जा रही है एक टमाटर दो प्याज के साथ गरीबाई में मैक्रोनी गिली तो गर्मी ये आटा गीला करते हैं और इसमें हाँ वही तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये चैलेंज हमने इन्हें दिया है कि तो सॉरी दो प्याज और एक टमाटर के साथ आप कैसे इस मैक्रोनी को रेडी करती हैं चार बर्तन के साथ। आपका स्वागत है। मेरे गैस खत्म हो गया, मैंने इसको उल्टा मुंह करके लिटाल दिया ये, मगर मैक्रोनी तो उबल चुकी थी और लगभग प्याज भी भुन चुका था टमाटर के साथ में, बस मसालों के साथ कुछ काम करना था इसके, तो वो सब किचन का छोड़ के झाड़ू में लग गई है, कह रही है मैं घर साफ कर रही हूँ तू गैस सरफा ये कर वो कर, तो ऐसे बदल जाती है एकदम से कहानियाँ घर घर की। तो गाइस मैंने दिमाग लगाया ट्रिंग, और वो दिमाग ये था, आइडिया खाना है ना, मतलब अपनी तारीफ की है ना, तो कूद के आगे आ गई, ये आइडिया मेरा था। तो गाइस देखो मैंने ना उसी में पिसी मिर्च डाल दिए और हल्दी भी डाली है ताकि कच्ची ही की स्मेल ना आए, और हमने इसमें नींबू डाला है, बहुत सारी चीजें डाली है, लगभग ये हम इसको सोच रहे कि हम खा सकते हैं इसको, मतलब हम खा सकते हैं इसको, हम खा सकते हैं इसको। बाय गाइस, थैंक्स।